हाई स्टूडेंट्स बिग अपडेट कमिंग अप फॉर ऑल क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट जो की सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में एडमिशन लेने वाले हैं सो so, सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस बता दी हैं यानी कि अगर हम बात करें जब आप नाइन्थ में होते हैं और आप 10th में जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम देते हैं राइट ऐसे ही इलेवंथ वाले स्टूडेंट जब ट्वेल्थ में जाते हैं तो वो बोर्ड एग्जाम देते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहता है तभी आपका एडमिट कार्ड आता है तभी आप बोर्ड एग्जाम में बैठ पाते हैं सो so, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपको अपने नाइन्थ के सारे सब्जेक्ट को पार करना है और इलेवंथ वालों को इलेवंथ के सारे सब्जेक्ट को पार करना है रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस स्कूल्स को मिली

यहां पे बोला गया है एंड नो मॉनिफाइड स्टूडेंट्स नेम इज लेफ्ट अनरजिस्टर्ड जो भी एक्चुअल बेटा रियल स्टूडेंट्स हैं मेक श्योर करना है स्कूल वालों को कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि अनरजिस्टर्ड रह जाए जिसको फिर आगे जब उसको बोर्ड एग्जाम देना है टेंथ का या ट्वेल्थ का तो उसको प्रॉब्लम आए तो ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स द बोर्ड एडेड शुड नॉट बी फ्रॉम एनी अनऑथोराइज और अनएफिलेटेड स्कूल ऐसा कोई भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करना जो किसी अनऑथोराइज या अन स्कूल से बिल्ड करता है तो ये सरासर बेटा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इस चीज का चेकआउट करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युन बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन भर रहे हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर जो पोर्टल है जो स्कूल को बोला गया है वो कौन सा पोर्टल है बेटा ऑल मस्ट फर्स्ट एंटर द इंफॉर्मेशन ऑन पोर्टल एंड आर रिक्वाय टू फिल द फुल नेम्स ऑफ द कैंडिडेट यानी कि आप अगर में गए हैं या फिर आप अगर ट्वेल्थ में गए हैं तो आपका जो फुल नेम है वो स्कूल को भरना है इस पोर्टल में आपके मदर्स का नेम आपके फादर का नेम और आपके गार्डियन का name. आपका मदर, फादर या गार्डियन शुड मतलब को अवॉइड करना है प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर अगर एब्रेवेशन यूज करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहेगा तो ओरिजिनल नेम से बेटा जो भी आपका कंप्लीट नाम है आपके मदर का नाम है आपके फादर का नाम है वो आपको स्कूल वाले पूछ सकते हैं सो आपको वही नाम बताना है जो आप चाहते हैं कि आपकी मार्कशीट पे लिखा है प्लीज मेक श्योर दैट कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उस पर बिल्कुल भी कोई भी गलती मत करवाना क्योंकि वो टेंथ की मार्कशीट ता उम्र तक बेटा वो एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करती है सो प्लीज मेक श्योर दैट आप सारी चीजों को क्रॉस चेक कर रहे हैं सो so, इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड है बाय द स्कूल स्कूल्स को यह ध्यान रखना है कि अगर लेटर सपोज एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उस एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्रोपोशनल उतने ही टीचर स्कूल को बिलोंग करने चाहिए ये सीबीएसई की गाइडलाइन आई हैं जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट थी आप अगर अगले साल 10th में या अगले साल ट्वेल्थ में जाने वाले हैं सो so, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें बिकॉज यहीं पर आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी होने वाली है सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस एंड लाइक स्टूडेंट यू कैन बाय बाय